हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, अपना जो 10th चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है और उससे रिलेटेड जो अपनी एक्सरसाइज थी उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, आज हम आते हैं जो हमने बीच में अपने चैप्टर स्किप कर रखे थे उनमें से जो चैप्टर रह रहे हैं उनको फिर दोबारा से उठाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपने चैप्टर 6 के बारे में। ठीक है, और चैप्टर 6 है ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इसी तरीके से दिया है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है बेटा? जो बी होती है, बी यानी कि इज एम आर वाज वर, आपने टेंसेस पढ़े हैं, उन टेंसेस में आपने हैज एव पढ़ा होगा, हैड पढ़ा होगा, इज एम आर और वाज वर ये पढ़े होंगे, वो सभी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मॉडल वर्ब्स अलग होती है। ठीक है, मॉडल में जैसे कि कैन आता है, मे आता है, माइट आता है, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऐसे बहुत सारे मॉडल होते हैं। ठीक है, इन सभी का यूज सेंटेंस में अलग अलग फीलिंग्स कह दें या फिर अलग अलग जैसे पॉसिबिलिटी होती है, कहीं पे परमिशन होती है कहीं पे, यानी कि उनके अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे एबिलिटी के लिए हम कैन मॉडल का यूज करते हैं और साथ में कुड का भी यूज करते हैं। देखो एबिलिटी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एबिलिटी का मतलब होता क्या है? योग्यता। योग्यता यानी कि क्षमता, कि मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कैन और कुड के बारे में मैं आपको बता रही हूं, दोनों का प्रयोग हम एबिलिटी के लिए कर सकते हैं, पर कैन हमेशा प्रेजेंट एबिलिटी को शो करेगा, प्रेजेंट यानी कि फिलहाल की, और कुड शो करेगा पास्ट एबिलिटी को कि हम पहले क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई कैन स्विम, ये फर्स्ट है, फिर आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, इस तरीके से देखो दो सेंटेंसेस है, इसमें प्रेजेंट एबिलिटी को शो कर रहा है अब हाल फिलहाल की, कि मैं तैर सकता हूं। ठीक है, तैर सकता हूं, और ये पास्ट को शो कर रहा है कि मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। ठीक है, समझ में आया होगा, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कि मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकता था। कैन आता है प्रेजेंट के लिए जिसमें प्रेजेंट एबिलिटी शो हो रही है, और कुड आता है पास्ट एबिलिटी। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद है आपके परमिशन वाले, परमिशन मॉडल होते हैं। परमिशन यानी कि हम कोई काम करते हैं तो हम किसी से अनुमति ले रहे हैं। ठीक है, परमिशन का मतलब होता है अनुमति, किसी से आज्ञा ले रहे हैं। अब देखो जैसे आप कभी भी मान लो ऑफिस में जाते हैं, अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाते हो, डायरेक्टर सर की, तो हमेशा क्लास में एंटर करने से पहले या फिर ऑफिस में एंटर करने से पहले आप परमिशन मांगते, है ना, अनुमति लेते हो टीचर्स की। तो हम उसमें क्या मॉडल यूज करते हैं? मे। सीधा आप यू बोलते हो, मे आई कम इन सर। ठीक है, या फिर यू बोलते हो, मे आई कम इन मैम, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये हमने परमिशन मांगी है, तो इसके लिए कौन सा मॉडल आ रहा है? मे मॉडल। ठीक है, दूसरा, हम मान लो किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, किसी की मान लो किसी का इरेजर रखा है किसी टेबल पे, और मान लो हमें उससे वो मांगना है, तो हम उससे परमिशन लेंगे तभी तो लेंगे वो इरेजर, ऐसे तो उठा नहीं लेंगे, हम उससे उसकी परमिशन मांगेंगे। तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? जैसे कि कैन आई यूज योर इरेजर। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी परमिशन हो गया, ये क्या है? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। परमिशन के लिए इस तरीके से हम मॉडल्स को यूज करते हैं। फिर उसके बाद है आपका ऑब्लिगेशन, अभी बताते हैं आपको। ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, अगला जो अपना है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी को मतलब होता है जिस काम को करने के लिए हम बाध्य हैं, बाध्य यानी कि ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम उस काम को करने के लिए मजबूर हैं।
जैसे कि वो हमारी आवश्यकता होती है कि हमें उस काम को करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आते हैं मस्ट मॉडल और मस्ट के साथ साथ इसमें दिया है ऑट, शुड और नीड। ये होता है ऑट टू, नीड टू होता है और एक होता है शुड। इन मॉडल्स का यूज हम नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। देखो डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। ऑट टू का यूज हम हमेशा मॉरल ड्यूटी के लिए करते हैं। मॉरल ड्यूटी यानी कि हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है उस काम को करने का। जैसे कि वी और टू हेल्प द पुअर, ठीक है, हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, तो ये हमारा धर्म है, हमें करना चाहिए, ठीक है। शुड होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, हमें करना चाहिए, ठीक है। वी शुड अटेंड द क्लास, वी शुड अटेंड द क्लास रेगुलर, ठीक है, हमें कक्षा अटेंड करनी चाहिए लगातार। पर ये है, ये मोस्ट होता है, मॉरल ड्यूटी होती है, ठीक है। और नीड का यूज हम उसके लिए आवश्यकता करते हैं, जैसे कि यू नीड नॉट टू गो देयर, तुम्हें आवश्यकता नहीं है वहां पर जाने की, ठीक है, इस तरह। और मस्ट का मतलब भी चाहिए के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे कि यू मस्ट टेलीफोन योर ब्रदर, आपको अपने भाई को फोन करना चाहिए, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, मॉडल्स